ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि BSNL की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अपना नंबर पोर्ट करा रहे हैं या फिर नया सिम लेने की सोच रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो से बताऊंगा कि आपको अपना नंबर पोर्ट कराना चाहिए कि नहीं चाहिए, और आप नया सिम कार्ड किस तरीके से ले सकते हैं। इसी के साथ में आप ये किस तरीके से पता कर सकते हैं कि आपके एरिया में BSNL का नेटवर्क है कि नहीं है, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर बातें बता देता हूँ ताकि आप लोगों को BSNL के बारे में थोड़ी बहुत अच्छी से जानकारी हो जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, BSNL एक गवर्नमेंट कंपनी है और BSNL की जो सिम थी वो पहले था कि इसका नंबर मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, ठीक है। अब ये कंपनी डूबी क्यों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। ये कंपनी डूबी जो कि इसके कर्मचारी थे, ठीक है, वो जो भी कस्टमर फ़ोन करता था उसकी परेशानी को सॉल्व न करना, ठीक है, इसी के साथ में जिसकी सर्विस थी बहुत ढीली कर दी गई थी, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं जिस जो कंपनी चला रहा है वो आके इन सर्विस को ठीक करेगा, ठीक है। तो जो कंपनी डूबी थी वो इनके कर्मचारियों की वजह से डूबी थी, ठीक है। अब BSNL में टाटा रतन जी ने यहाँ पर साझेदारी कर ली है, ठीक है, यानी कि इसमें पार्टनरशिप कर ली है। अब यहाँ पर लग रहा है कि जो BSNL की कुछ सुविधा हैं वो अच्छी होंगी, ठीक है, और इसी के साथ में लोग पोर्ट भी करा रहे हैं और नया कनेक्शन लेने के लिए भाज रहे हैं विकट, ठीक है। एयरटेल में और BSNL में रिचार्ज को लेकर कितना अंतर है, ठीक है, और पहले इनमें क्या क्या मिलता था वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एयरटेल का है वो प्लान मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, एयरटेल का एप्लीकेशन, ठीक है। अब एयरटेल का यहाँ पर आ जाता है जैसे कि अनलिमिटेड वाला, ठीक है, जो पहले था वो था कि यहाँ पर आप रिचार्ज करवाते थे तो 249 वाला वो 300 कर दिया गया, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो आपको यहाँ पर 5G इंटरनेट फ्री चलाने को मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ आप बिंग म्यूजिक यूज कर सकते हैं, रिंगटोन आप इसकी यूज कर सकते हैं, 5G इंटरनेट नहीं चला सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर आप 5G इंटरनेट चलाएंगे आप फ्री में, ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 399 रुपये का, ठीक है। आपको 2GB डाटा मिलेगा, इसी के साथ में आपको 5G इंटरनेट सुविधा है वो आपको इसमें फ्री मिल जाएगी, ठीक है। आप 5G इंटरनेट चला सकते हैं अगर आपका फ़ोन 5G है और आपकी सिम कार्ड 5G है, सिमें तो लगभग सभी की अब 5G हो रही हैं, ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद में चलिए हम अब यहां पर BSNL की ओपन कर लेते हैं, उसके बाद मैं यहां पर रिवार्ड पे सिंपली क्लिक करता हूं। अब आप यहां पर देखेंगे जैसे कि वहां पर 300 रुपये का था, ठीक है, मैं यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं 147 रुपये का। आपको यहां पर लोकल और आपको यहाँ पर HDD क्वाल्स मिल जाती है, 10GB एक ही टाइम आपको डाटा मिलेगा, ठीक है, और आपकी 30 दिन की वैलिडिटी रहेगी। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 239 में, ठीक है, जो कि उसमें आपको देखने को मिल रहा है वो प्लान, ठीक है। अब आप यहाँ पर 239 रुपये का यहाँ पर प्लान करवाते हैं तो आपको लोकल HDD क्वाल्स मिल जाएगी, अनलिमिटेड और 2GB डाटा मिल जाएगा और एक मंथ के लिए वैलिडिटी मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है ये प्लान आपको उसमें 300 का पड़ रहा है और इसमें आपको 240 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर इतना इसमें अंतर है, ठीक है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि आखिर हमें सिम पोर्ट कराना चाहिए कि नहीं चाहिए, और इसी के साथ में क्या उससे पहले हमें कि नया कनेक्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताई थी कि जो BSNL के नेटवर्क थे वो पूरी इंडिया में थे, और वहाँ पर जो कि जियो की सिम कार्ड जब लॉन्च हुए थे तो जियो ने अपने सिस्टम वहाँ पर लगाए थे, ठीक है। अब ऐसे में ये था कि जियो ने जब अपने सिस्टम लगाए थे तो वहाँ पर BSNL का नेटवर्क था वो पहले था, ठीक है। अब पता नहीं भाई आपके एरिया में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर मैं आपको एक राय दूंगा कि आप अपनी सिम को पोर्ट ना करा कर, ठीक है, आप यहाँ पर एक नई सिम खरीद लीजिएगा, ठीक है। नई सिम कितने की पड़ेगी मैं वो भी आपको बता देता हूँ, और आपको कहाँ से लेना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। आप इस एप्लीकेशन में जाकर और आप यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हैं। अब इस एप्लीकेशन को आप यूज करने से पहले आपके पास BSNL का नंबर होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप किसी भी थर्ड कंपनी के नंबर से आप इसमें लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपके पास BSNL का ही नंबर होना चाहिए। आप उसमें रजिस्टर कर जाएगा, उसके बाद में आप यहाँ पर प्लान वगैरह भी देख सकते हैं कि आखिर कौन सा प्लान कितने का पड़ेगा और ये हमारे लिए
प्लान के मुकाबले में सही रहेगी नहीं रहेगी। तो आज के दौर में आपको बता दूं कि रिचार्ज के प्लान को लेकर ये कंपनी सब एकदम BSNL की जो कंपनी है वो एकदम सस्ते में चल रही है, ठीक है। आप इसमें सस्ते में सस्ते प्लान कर सकते हैं अपने फ़ोन में, ठीक है, सिम कार्ड के अंदर। आपको यहाँ पर सपोर्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ पर ऑनलाइन भी सिम को मंगवा सकते हैं इसकी वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BSNL 5G या फिर सिम होम डिलीवरी, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बाय BSNL प्रीपेड सिम ऑनलाइन सिम होम डिलीवरी, ठीक है। आप इस पर सिंपली क्लिक कर और आप यहाँ से एक नया सिम मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना एक नया कनेक्शन मंगवा सकते हैं, ठीक है, और आप यहाँ से पोर्ट भी कर सकते हैं। पर मैं आपसे कहूँगा कि आप यहाँ पर पोर्ट मत कीजिएगा, ठीक है। अभी आप यहाँ से सिम ले आइएगा और उसके बाद में अगर आपके एरिया में नेटवर्क सही आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ BSNL का नंबर सही है, ठीक है, आपके एरिया के हिसाब से, क्योंकि कई बार जगह तो ऐसी होती है कि वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं आ रहा है BSNL का, ठीक है, और कई जगह ऐसी होती है वहाँ पर नेटवर्क सही आ रहा है, ठीक है। अगर आप पोर्ट करा लेते हैं तो 90 दिन तक आप BSNL में ही फंस जाएंगे और आप उसे फिर पोर्ट नहीं करा सकते हैं, ठीक है, 90 दिन से पहले। तो आप एक 100 रुपये की सिम मिलेगी, वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब ये मैंने आपको दो तरीके बता दें, आप एप्लीकेशन की भी मदद से ऑनलाइन कर सकते हैं, वेबसाइट पर भी जाके कर सकते हैं, और आप यहाँ से पोस्ट पेड में भी सिम ले सकते हैं और नया कनेक्शन ले सकते हैं, पोर्ट भी आप यहीं पर ही कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन ही आप चारों काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आप ऑनलाइन सिम लेना नहीं चाहते हैं तो आप यहां पर किसी भी लोकल दुकान से जाके भी सिम कार्ड को ले सकते हैं। इसके लिए आप एक इंडिया के नागरिक होना ज़रूरी है, आपके पास आधार कार्ड की ID होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आप किस तरीके से ले सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। एक नया सिम नंबर लेने जब जा रहा था तो यहाँ पर ये था कि मैं रास्ते चलते जा रहा था, मैंने कई दुकानों से भी इस चीज़ के लिए पता किया, फिर वहाँ पर भी वो नंबर मुझे नहीं मिला। उसके बाद में काफ़ी मुशक्क़त के बाद मुझे कहीं एक दुकान पर जाकर जो कि BSNL के नंबर मिले, ठीक है। वहाँ पर मैंने बोर्ड देखा और बोर्ड पर लिखा हुआ था कि 100 रुपये में आप एक सिम ले सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर इतना डाटा मिलेगा और आपकी जो सिम है वो 5G होगी। तो मैंने यहाँ पर उन्होंने सिम दी और मैंने यहाँ पर अपना एक नंबर सेलेक्ट किया और नंबर सेलेक्ट करने के बाद मैंने उनसे कहा कि इस नंबर को आप ओपन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर उस नंबर को ओपन करवाने के लिए उनसे कहा और मैंने यहाँ पर अपनी आधार की ID दी और उसके बाद मैंने उस नंबर को वहाँ पर अपने नाम पर करा लिया। कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे इस सिम को ओपन होने में, ठीक है। तब तक आप यहाँ पर वेट कर लीजिएगा और उसके बाद में आपकी जो नंबर है एक्टिवेट हो जाएगा, चालू हो जाएगा और आप इसे यूज और कॉल वगैरह सब कुछ कर सकते हैं और इंटरनेट भी चला सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना एक नया नंबर ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।